अभी 60 के आसपास उनकी एज है, तो हो जाएगी पॉलिसी मतलब उनकी? कौन सिक्सटी में क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी सा सिक्सटी प्लान, में। सिक्सटी कौन सा प्लान दे सकते में हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप किस कौन पर्पज से सा? कराना चाहते हैं? मतलब उनका इंश्योरेंस भी हो जाए और पैसा भी सेव होता रहे। उनके ऊपर डिपेंडेंट कौन कौन है? उनके ऊपर डिपेंडेंट तो वैसे तो कोई नहीं है, बेटा है वो नौकरी कर ही रहा है ऑलरेडी। जब उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो फिर इंश्योरेंस कवरेज उनको किस बात के लिए चाहिए? इंश्योरेंस कवरेज तो तब जरूरत होती है ना जब कोई ना कोई डिपेंडेंट हो। सेविंग के पर्पस से करना है तो सेविंग के पर्पस से क्या बजट है उनका बताओ। अब वो 1,000-2,000 रुपये महीना भर सकती हैं आराम से। 60 की उम्र में आपका ये वाला जो प्लान है, ये जो नया वाला जो आया है इसमें 60 तक की एज है, ये वाला हो सकता 860 है वाला आपका सर? नया प्लान है ना? 860, जी सर, 860। जी सर, बीमा ज्योति, जी, बीमा ज्योति आपका नया प्लान आया है ना, ये सर, वाला आप कर सकते हैं। हाँ बीमा ज्योति आप कर सकते हैं, नया वाला जो प्लान आया है आप 60 की उम्र में ये वाला कर सकते हैं। लेकिन यदि वो पॉलिसी कराएंगी तो वो किस पर्पज से उनको यूजफुल होने वाला है? उनके ऊपर सर देखो उनका डिपेंड, कभी ओल्ड एज में कभी ऐसा कुछ होता है, मतलब अभी तो बहुत यंग है, भगवान ना करे कभी कुछ हो, मतलब अच्छी फैमिली है सर, है ना, इस उम्र में भी बहुत फिट है और लगता नहीं कि वो 60 की है, मतलब अच्छा मुझे 40-45 की लगती है, मतलब फिट है एकदम, खाना वाना अच्छा बनाती है, मतलब काफी हंसता खेलता परिवार है, मतलब द्वारका में उनका अपना फ्लैट है, सब चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली कोई सब स्ट्रांग है, मतलब उन्होंने मेरे से बात रखी तो मैंने कहा ठीक है मैं बॉस से पूछ के फिर बताऊंगा आपको। ये वाला प्लान आप ले लो ना, ये जो जो बीमा ज्योति आपका आया है आप इसके अंदर ले लो। आपने इसके अंदर ट्राई किया है क्या, ऑल नहीं, इन वन मैंने के ट्राई अंदर नहीं आप? किया, हाँ जी मैंने ट्राई नहीं किया एक्चुअली, मैंने कहा सर से पूछूंगा उसके बाद करूंगा मतलब। और दूसरा सर, उन्होंने जो प्रपोजल फॉर्म भरा है वो कहती है कि भाई 1,000 रुपये महीने का मेरे पोते के लिए कर दो और मेरे बैंक से पैसा कटता रहेगा, और मेरी पोती का तो ऑलरेडी चल ही रहा है 1,000 रुपये महीने का, तो मैंने उनको 933 समझाया है, टेबल नंबर 933 उनको पोती बता के लिए आप दिया, कर सकते तो प्रीमियम हो। वो भरेंगे सर, प्रीमियम जो है वो भरेंगी, क्या नाम है, जो माता जी है वो भरेंगी, पॉलिसी बेटे के नाम से बन जाएगी। हाँ क्यों नहीं बनेगी, बिल्कुल बन सकती है। बेटे के नाम से या पोते के नाम से? बेटे के नाम से मेरे बेटे के नाम से। बेटे की उम्र कितनी है? की उम्र होगी 43 साल। तो पैसा सारा का सारा बेटे को मिलने वाला है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ये वाला बीमा ज्योति प्लान है, 3 से लेकर 60 साल तक की उम्र लिखी हुई है। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है ना, तो ये वाला कर दो, तीन तो टर्म कितने से साल के दूँ सर लेकर इसको? साठ हाँ जी 15-15 साल का टर्म दे दूँ सर इनको? 15-10 वाला इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे देखो 60, 15, 10, आपको कितने का करना है? 1,000 रुपये महीने का। तो अब इसके अंदर प्रीमियम का ऑप्शन तो नहीं है, 1261 रुपए के हिसाब से आ रहा है। चलेगा 60 साल की उम्र में 15 साल का बोनस आपको मिलेगा, 10 साल आपको जमा कराना है, एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट 1 लाख रुपए, डेथ सम अशोर्ड, भगवान न करे डेथ हो जाए, जब भी डेथ होगी तो नॉमिनी को 1.25 लाख मिलेगा, और एक्सीडेंटल डेथ होगी तो 1.25 लाख प्लस 1 लाख 1.25 लाख मिलेगा। मेच्योरिटी पर जो पैसा इसके अंदर मिल रहा है, मेच्योरिटी हमने टिक ही नहीं किया, वापस जाते हैं दोबारा से मेच्योरिटी पर टिक करके कैलकुलेट करते हैं। मेच्योरिटी नीचे लिखा हुआ है गारंटीड रिटर्न एट मेच्योरिटी टाइम 1,75,000। आपने इस वाले प्लान के अंदर 1,261 रुपये मंथली किया, पहले साल में 1,261 रुपये मंथली है, बाकी के सालों में 1,234 रुपये मंथली है। ये वाला जब आपने ये मंथली, इसलिए इसमें आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली कैसे करेंगे? मंथली सीएस मंथली ईसीएस करेंगे, तो मंथली ईसीएस के अंदर 1,261 रुपये पर मंथ के हिसाब से बन रहा है आपका। पहले साल के अंदर 1,261 रुपये पर मंथ, बाकी के 14 सालों के अंदर आपका मंथली बनेगा 1,234। बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। कर सकते हैं 15 साल का बोनस इसके अंदर मिल रहा है, 10 साल आपको जमा कराना है। डिसेबिलिटी जी सर, और इसके अंदर जो बेनिफिट भी कितना विडो है, मिलेगा ये अमेरिका आप विडो है, हो बताइए। जाएगा ना हाँ सर? क्या जी हाँ विडो है? विडो का पहले की तरह कोई अब वो तो नहीं है, मतलब वो तो नहीं है, मतलब कि भाई 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख ज्यादा दे नहीं सकते, मतलब 3 लाख ज्यादा दे सकते। नहीं, आप ये देखो ना, इस केस के अंदर नीड ऑफ इंश्योरेंस कुछ नहीं है। आप ये वाला जो
आप ये देखो ऊपर डिपेंडेंट कोई नहीं है, जब उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो देखा जाए तो नीड ऑफ इंश्योरेंस इज जीरो। आप देखिए ना, नीड ऑफ इंश्योरेंस इज जीरो, अभी उनको इंश्योरेंस की जरूरत यदि देखा जाए तो उनके ऊपर डिपेंडेंट कोई नहीं है तो उनको नीड ऑफ इंश्योरेंस नहीं। आप इस नजर से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो सेविंग के लिए, चलो ठीक है आप भले ही हम सोचे उनका करने का, लेकिन उनका नीड ऑफ इंश्योरेंस के हिसाब से देखें तो उनका कुछ नहीं है। इंश्योरेंस की जरूरत उनको कहाँ है? सेविंग के पर्पज से चलो ठीक है हम लोग उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है हम उनका ये वाला कर लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस की जरूरत आगे कहाँ पर है? विडो, विडो को मतलब विडो को मिल जाएगा ना? मतलब विडो को एक्चुअली उनकी इनकम भी नहीं है, आप पेंशन के अगेंस्ट में कह नहीं सकते, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। पेंशन के अगेंस्ट में शायद मिल तो जाना चाहिए, ब्रांच लेवल का है मिल तो जाना चाहिए पेंशन के अगेंस्ट में, पेंशन के लिहाज से हाँ मिल जाना चाहिए जी। और होगी 10,000 से ऊपर की पेंशन है, इतना तो मुझे पता है। आप पेंशन का प्रूफ लगा दीजिएगा। एजुकेशन कितना है? एजुकेशन शायद 10th होगा, शायद 10th या 8th होगा मेरे ख्याल से। ठीक है तो आप लगा दीजिएगा, हो जाएगा इनका, लगा दीजिएगा। आज लगा सकते हैं? आज इसको नहीं लगा सकते, लेकिन मैं संडे को लगाएंगे। अब संडे को, मंडे को ही मतलब, संडे को उनके घर पे मीटिंग है। हाँ? संडे को उनकी पूरी फैमिली छुट्टी पे होती है, तो उधर जाके सर। हाँ? संडे को सब छुट्टी पे होते हैं ना सर? हाँ? संडे को सभी मिल जाएंगे उनके घर पे। हाँ तो संडे तो कल ही गया है, अगला संडे आने में काफी टाइम है, काफी टाइम लगेगा। हाँ तो मैं उनके बेटे से डिस्कस कर लूंगा, ऑफिस चला जाऊंगा विदेश मंत्रालय, तो मैं जाके बात कर लूंगा। ठीक है बढ़िया। आपकी टीम का मीटिंग है कल सुबह, है कल सुबह 10 बजे आपको पहुंचना है, रजिस्ट्रेशन टाइम कल सुबह 10 बजे का है। तो होटल ये जो हरगोबिंद एन्क्लेव जो है वहां पर होटल गुड एप्पल रेजिडेंसी के नाम से होटल है, तो उस होटल के अंदर आपकी टीम का मीटिंग रहेगा। आप सभी लोग वहां पर जरूर पहुंचें और कल सुबह 10 बजे कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन के पास में है। आप में से सभी लोग आ रहे हैं या तो किसी का डाउट है? नहीं आ जाएंगे सर, कोई बात नहीं। तो सभी लोग वहां पर जरूर आएं, वुड एप्पल रेजिडेंसी, यहां पर तो छोटी स्क्रीन रहती है हमारे पास, फोन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर हम लोग मीटिंग कर पाते हैं, वर्चुअली कर पाते हैं। वहाँ तो फिजिकली 90 लोगों का हॉल हमारे पास है और बढ़िया तरीके से हम लोग वहाँ कर पाएंगे। मॉर्निंग में शायद थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स का आइटम रहेगा, 11 बजे हम लोग मीटिंग शुरू करेंगे प्रोजेक्टर लगा के, 2 बजे लंच है, उसके बाद यदि आप चाहेंगे तो हम कोल्ड कैनवासिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा अननोन लोगों को मिल सकते हैं, अननोन लोगों को बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ हम कोशिश कर सकते हैं। जो भी साथी चाहें 2:45 के आसपास हमारा वो प्रोग्राम रहेगा। तो आप में से किसी का ऐसा भी है कि किसी का डाउट है कि हाँ मेरे को नहीं आना है, बाकी 100% तो आपसे मेरी सभी से बात हो ही गई थी कि सबका आने का, यदि किसी का डाउट है तो आप मुझे बताएं। नहीं नया प्लान, मेरा डाउट है सर आपका। हाँ जी आपका डाउट है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा कोई दिक्कत है क्या? हाँ ऑफिस से ही है। देख लीजिए ऑफिस तो रोजाना जाते हैं, ऑफिस तो आज भी जाना है कल भी जाना है। जो लिया ना सर कुछ बात जो है ऑफिस में जो है छुट्टी सारा जो ले लिया ना एक्स्ट्रा ही छुट्टी, कम से कम 1 महीना का एक्स्ट्रा छुट्टी हो गया है एक, तो इसकी वजह से दिक्कत आ रही है दिन। नौकरी के अंदर कोशिश करूंगा मैं, फुल कोशिश रहेगा ऑफिस में, कोशिश में तो ले लूं मैं कल छुट्टी। नौकरी के अंदर जितने भी लोग हैं उनको छुट्टी के अंदर दिक्कत आया करती थी, तो उनमें से बड़े सारे लोगों ने मेहनत किया अपना एजेंसी के अंदर, अपना इनकम इतना डेवलप कर लिया कि उनकी जो एजेंसी की इनकम है नौकरी की सैलरी से ज्यादा हो गई। तो हमारे पास ढेर सारे ऐसे एजेंट हैं जो पहले नौकरी किया करते थे, नौकरी के अंदर उनको ये छुट्टी वाला कंसेप्ट पसंद नहीं आया, वो कहते हैं यार छुट्टी के लिए देखो जाना पड़ता है, छुट्टी के लिए देखो हाथ पर जोड़ने, छुट्टी के लिए तकलीफ होता है। तो उन्होंने कहा यार हम ऐसा काम करते हैं कि 365 दिन छुट्टी, तो उन्होंने एजेंसी का काम को मजबूत किया। एजेंसी के काम को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे हमें छुट्टी के लिए डिपेंडेंट होना पड़ेगा, छुट्टी के लिए हमें तकलीफें आती रहेंगी। यदि हमें छुट्टियों के लिए तकलीफ से बाहर निकलना है तो हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि हमारी एजेंसी की इनकम सैलरी से ज्यादा हो जाए। जिस दिन सैलरी से ज्यादा हो जाएगी उस दिन आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपको छुट्टी नहीं भी मिलेगी ना तो आप बोलोगे ठीक है भाई मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरी टीम की मीटिंग है मैं नहीं आ रहा हूँ, और आपको जो करना कर। ये कॉन्फिडेंस कब आता है? ये कॉन्फिडेंस उस दिन आता है जिस दिन हमारी सैलरी से ज्यादा कमीशन बन जाती है, और उसको बनाने के लिए हमें रोजाना कम से कम एक नए आदमी को मीटिंग करना जरूरी है, रोजाना कम से कम एक फॉलो अप करना जरूरी है।
यदि हम नए लोगों को बात नहीं कर रहे हैं तो हमें जिंदगी भर नौकरी करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और सैलरी के अंदर लिमिट होती है, हमारी इनकम बढ़ती है थोड़ी थोड़ी, छोटी 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 हमारी इनकम बढ़ती है सैलरी के अंदर, इंक्रीमेंट साल में एक बार कभी बढ़ गया, छोटा मोटा कुछ बढ़ गया। एजेंसी के अंदर आपकी जो इनकम है हर रोज बढ़ सकती है, आपकी सेल पर डिपेंड करता है, आपकी एफर्ट पर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आप कितने लोगों को मिले, कहाँ कहाँ पर मिले, किधर किधर मिले, उस पर डिपेंड करता है आपकी इनकम हर रोज। हर पॉलिसी के साथ आपकी रिन्यूअल कमीशन बढ़ जाती है, हर पॉलिसी के साथ आपकी इनकम बढ़ जाती है। ये डिसीजन कि हाँ मैं कमा सकता हूँ, सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास होना जरूरी है कि मैं सैलरी के बराबर कमा सकता हूँ, इसके अंदर नहीं। ये कोई ऐसा नया काम हम सोच नहीं रहे हैं कि जो आज तक किसी ने किया नहीं है, ढेर सारे एजेंट्स हैं, उन्होंने ये सब काम ऑलरेडी किया हुआ है, पैसा कमाया हुआ है, एजेंसी के अंदर सक्सेसफुली अपने आप को डेवलप किया हुआ है। सभी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आप यदि चाहें एक दिन में, ऐसा क्या है, हो सकता है आप आ सकते हैं, आप देखें ट्राई करें, आ जाइए, आप आएंगे सभी को अच्छा लगेगा, दैट विल बी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया लगेगा, सभी को बढ़िया लगेगा। सो बाकी और किसी साथी का कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बाकी सभी को आना है, तो किसी तरह का कोई डाउट ना रखें, कोई ऐसा ना सोचें कि नहीं आना है जी, और किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना, आना है सभी को जी। सो आगे चलते हैं, हमारा ये वाला जो होटल है वो डेपल रेजिडेंसी, कोई ज्यादा दूर नहीं है, आसानी से आप इसके बारे में आ सकते हैं। नया प्लान 861, किसने किसने स्टडी किया और किसको किसको इसके बारे में जानकारी है, आपने स्टडी किया इसके बारे में, आपको थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में हो गया, आप इसके बारे में कुछ तो पढ़ा होगा, मैंने ढेर सारी चीजें भेजी थी आपको इसके ऊपर, मैंने आपको जूम पर ढेर सारी चीजें भेजी थी, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आपने पढ़ा ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ ना पढ़ा हो, कोई आपने YouTube में देखा होगा, कुछ आपने जो मैंने आपको WhatsApp पर Telegram पर जो अलग अलग चीजें भेजी थी वहां पर देखा होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा ना, किसने किसने पढ़ा इसके बारे में, किसने किसने सीखने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी इसके बारे में, कोई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप में से किसी ने भी इसके बारे में जानने की कोशिश ना करी हो। आज से नया प्लान लॉन्च हो रहा है, मैं तो लगातार कल भी मैंने आपको कुछ चीजें इसके बारे में भेजी, परसों भी भेजी, आपने अलग अलग जगह से और भी दूसरी जगहों से, कहीं अखबार में, कहीं टीवी में, कहीं यूट्यूब में, कहीं गूगल में, कहीं अलग अलग, कहीं किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में, किसी टेलीग्राम में, किसी कहीं ना कहीं आपने देखा तो होगा, ईमेल में देखा होगा, किसने देखा, किसी ने नहीं देखा, ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा मैं मानता नहीं, आप बताना नहीं चाह रहे वो अलग बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आपने देखा नहीं है। आप पार्टिसिपेशन करेंगे तो अच्छा है, वरना मेरा क्या है, मैं तो थोड़ी देर बोल के चला जाऊंगा, और तकलीफ ये रहती है कि हम लोग जब पार्टिसिपेशन नहीं करते तो हमारी पार्टिसिपेशन ना करने की आदत बन जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीटिंग में पार्टिसिपेशन की आदत बनती है, वरना हमारी पार्टिसिपेशन ना करने की आदत सभी जगह बन जाती है, हम जीवन के अंदर भी ऐसे ही करने लगते हैं, हम लोग बहुत सारी जगह हमारी नॉन पार्टिसिपेशन की आदत बन जाती है, और जीवन के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं करना एक बहुत बड़ी तकलीफ है। यानी मैं फॉर्मेलिटी निभा देता हूँ, क्योंकि जब आप फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं तो मैं भी फॉर्मेलिटी निभा देता हूँ, मेरे को पढ़ाना है मैं पढ़ा देता हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक लेक्चर हो जाएगा यदि मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ। ये देखा था सर, अच्छा ये जो है देखा था सर, लेकिन कम समझ में आया, मतलब 5 साल का कुछ जो है, मतलब इसके अंदर प्रीमियम था ओनली, मतलब समझ में कम आया सर जी। क्या क्या नहीं समझ में आया आपको इसमें, क्या क्या आपको लगा कि हाँ इसमें क्या क्या तकलीफ वाली बात है, कहाँ कहाँ आपको वो दिक्कत महसूस हुई इसके अंदर? सर एक तो LIC जो है, LIC बचत प्लस है सर, ये तो प्लान जो है प्रीमियम पेमेंट ओनली फॉर 5 ईयर्स सर, और ज्यादा इसकी पूरी डिटेल नहीं है सर इसके अंदर जो है, मतलब इसमें जो सर ये एज 8 साल, 18 साल, 30 साल, 35 साल, 40, 44 है ना सर, ये 10 समरसोट नहीं समझ में आया सर इसका, 25 लाख ही है कुछ है, और उसके बाद जो है 10 समरसोट में 25 लाख रुपए मिल रहा है, मतलब इसको समझ में नहीं आया सर कुछ भी सर। ठीक है, बढ़िया, तो जो जो हमें समझ में नहीं आया है उसको हम समझने की कोशिश कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज में रुकावट आ रही है, कौन कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है, हम उस चीज को समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर, मैंने यूट्यूब के अंदर मैंने लिंक भी आपको भेजा है, आज मैंने आपको जो WhatsApp पर या तो Telegram पर जो मैंने आपको इसके बारे में भेजा है, तो मैंने साथ में आपको लिंक भी भेज रखा है,
मैंने YouTube पर इसको सर्च किया, उसका लिंक जो है वो भी मैंने आपको भेज दिया, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुंचेंगे। आप में से किसी ने YouTube में सर्च करके देखा, YouTube में बड़े सारे लोग मेहनत करते हैं, अलग अलग इसके वीडियो बनाते हैं कि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, हमें ज्यादा सोचना ना पड़े, हमें ज्यादा समझना ना पड़े। तो YouTube पे ढेर सारे लोगों ने इसके ऊपर मेहनत कर रखा है। जो मैंने लिंक आपको भेजा है, जो आज का मैंने आपको इन्विटेशन भेजा है, भले ही टेलीग्राम पर भेजा है, भले ही मैंने आपको व्हाट्सएप पर भेजा है, यदि आप उसके बाजू में लिंक जो मैंने आपको यूट्यूब का भेजा है उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। इस वाले पेज पर लोगों ने इतनी मेहनत करके इतने ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं। किस चीज पर बना रखे हैं? बचत प्लस क्या है, LIC का नया प्लान 861 नंबर। मैं इनमें से किसी भी एक वीडियो पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लिक करूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। आप तसल्ली से देख सकते हैं अपने हिसाब से, जब भी आपको समय मिले आप इसको तसल्ली से अपने फोन पर, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर आप देख सकते हैं। हम इसमें सिर्फ ये देखते हैं कि लोगों ने कितनी मेहनत करके कितने ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं। इसमें आप ये देखिए 20 आवर्स होगा, 20 घंटे पहले किसी भाई साहब ने यहाँ पर डाला है बचत प्लस के बारे में। ये वाला किसी ने टैक्स फ्री प्लान, ऑप्शन वन क्या है, ऑप्शन टू क्या है, रिस्कवर क्या है, स्टार्ट कैसे होगा, बहुत कुछ डाला हुआ है यहाँ पे। इतना मेहनत कर रखा है ये, कोई मैडम है, ये कोई नजर आ रहा है प्लान नंबर, ये भी कुछ बोलती चली जा रही है, ये कुछ बचत प्लस प्लान नंबर 861 15 मार्च से शुरू, आज से शुरू है, सिर्फ 5 साल प्रीमियम देना है। मैं आपको बताऊंगा उसकी बजाय यहाँ पर आप यदि ये देखें, लोगों ने 24,000 व्यूज भी हैं, ये इनका यहाँ पर लिखा है 24,000 व्यूज, 24,000 बार ये वाला वीडियो देखा भी जा चुका है। खैर उनका अपना तरीका होगा, कुछ ना कुछ 8 मिनट का वीडियो कुछ शायद उन्होंने बना रखा है। बचत प्लस ये कोई भैसों का इन्होंने बना रखा है 861 183 व्यूज ये वाला बचत प्लस 861 LIC का बचत प्लस बचत प्लस बचत प्लस। अच्छा ये वाला ये इन्होंने PDF ही इसका पूरा का पूरा ही बता दिया। ओके LIC बचत प्लस जो पॉलिसी तमिल के अंदर भी है। आप और मैं तमिल तो खैर नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने कितनी मेहनत करके तमिल में भी डाला हुआ है बचत प्लस बचत प्लस। 180 डेज ओनली, 180 दिन का प्लान है। हमें दुनिया में हर चीज को दोबारा से आविष्कार करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए आविष्कार ढेर सारे लोगों ने पहले से ही कर रखा है। हमें प्लान को जीरो से सीखने की जरूरत नहीं है, हमें सिखाने वालों की भरमार है यहाँ पर। मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मेरे सिखाने का कुछ बचता ही नहीं है। यहाँ पर लोगों ने इतनी मेहनत कर रखी है, मैक्सिमम कैसे 180 दिन का प्लान सर नहीं समझ में आया, तो 1 साल से भी कम का हुआ सर ये तो। 6 महीने चलेगा, 6 महीने के बाद बंद हो जाएगा, 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, आखिरी डेट 6 महीने बाद है। सो अब यहाँ पर ये खत्म हो गया, यहाँ पर इधर उधर की और आलतू फालतू चीजें आनी शुरू हो गई है। बाई चांस एक और वीडियो आ गया, LIC बचत प्लस प्लान नंबर 861, तो ये आप अपने फोन में सर्च कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको भेज रखा है। बाकी चीजें ये बचत प्लस ये किसी भाई साहब ने भेज रखा है अपना बचत प्लस के नाम से, बचत प्लस मथिया आयुथम, पता नहीं ये कौन सी लैंग्वेज है, क्या है लैंग्वेज का नहीं पता है क्या है, लेकिन ये किसी और लैंग्वेज में भी भेजा है लोगों ने बचत प्लस, तमिल में पता नहीं कौन सी, तेलुगु में भेजा है, कहाँ कहाँ दुनिया भर के यहाँ पे लोगों ने शेयर कर रखे हैं बचत प्लस क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, बहुत कुछ भेज रखा है, दुनिया भर की चीजें भेज रखी हैं। खैर एनीवे हम थोड़ा सा इसके बारे में समझने की जानने की कोशिश कर लेते हैं, बचत प्लस क्या है, क्यों है, क्या है। 180 दिन का प्लान है, नॉन लिंक प्लान है, पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल इंश्योरेंस, और या तो आप सिंगल प्रीमियम में जमा कराइए या तो 5 साल में इसको जमा कराइए। रिस्कवर इसमें 4 तरीके के हैं, 4 ऑप्शन है, सिंगल प्रीमियम में 2 ऑप्शन है, रेगुलर प्रीमियम में 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन 1 2 सिंगल प्रीमियम नॉन सिंगल प्रीमियम टेबल बना हुआ है। सिंगल प्रीमियम में मिनिमम सम इंश्योर्ड 1 लाख है, जिसमें 10 गुना इंश्योरेंस है, ऑप्शन बी के अंदर 1.25 गुना इंश्योरेंस है। इसी तरीके से नॉन सिंगल प्रीमियम में रेगुलर प्रीमियम में 10 गुना इंश्योरेंस या तो आप ले लीजिए या तो 7 गुना ले लीजिए। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड कोई लिमिट नहीं है चारों ऑप्शंस में। मिनिमम एज एट एंट्री 90 दिन, और जो चौथी ऑप्शन है जिसमें रेगुलर प्रीमियम के अंदर 7 गुना इंश्योरेंस लेंगे तो 40 साल उसके अंदर कम से कम एज होना शुरू होता है। ये सब चीजें ये तो आप ऐप के अंदर अपना अपडेट करेंगे, ऑल इन वन रीडर उन सब के अंदर भी आ जाएगा। पॉलिसी टर्म 10 से लेकर 25 साल, 40 की उम्र तक के आदमी के लिए 10 से 25, उसके बाद 10 से लेकर 16 साल तक 10 से 25, उसके बाद ये प्लान है। जमा 5 साल करना है, लेकिन पॉलिसी का बोनस आपको 10 साल का या तो 15 20 25 जितने भी साल का आप लेना चाहें उतने साल का मिलेगा। सिंगल प्रीमियम ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली नेच मंथली और सैलरी सेविंग स्कीम, सैलरी के थ्रू भी आप करा सकते हैं, हर महीने सैलरी से ऑटोमेटिकली जमा होता रहेगा, पॉलिसी आपका चलता रहेगा। मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा, सम इंश्योर्ड आपको मिलेगा, साथ में लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। डेथ पर क्या मिलेगा, जो डेथ का सम इंश्योर्ड है वो मिल जाएगा नॉमिनी को, और 5 साल के बाद यदि डेथ होती है तो इसके अंदर लॉयल्टी एडिशन इसके अंदर मिल रहा है, और लोन इसके अंदर मिल रहा है, सिंगल प्रीमियम जो प्लान है इसके अंदर लोन मिल रहा है।
सिंगल प्रीमियम जो पॉलिसी है 3 महीने के बाद इसके अंदर मिल रहा है। आप इसमें यदि देखेंगे तो लोन 3 महीने के बाद इसके अंदर मिल रहा है। रेगुलर प्रीमियम वाली पॉलिसी है उसमें 2 साल के बाद, जैसे बाकी के प्लान जो इसके अंदर अवेलेबल है जिसमें 2 साल के बाद लोन मिलता है, 914, 915, 936, बाकी के जो प्लान है उसमें 2 साल के बाद लोन मिलता है, इसके अंदर भी 2 साल बाद लोन मिल रहा है, लेकिन सिंगल प्रीमियम में आपको 3 महीने के बाद लोन मिल सकता है। असाइनमेंट नॉमिनेशन है, आप पॉलिसी किसी के भी नाम से ट्रांसफर कर सकते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन वो तो है ही इसके अंदर, एक्सीडेंटल राइडर है, डिसेबिलिटी राइडर है, बचत प्लान का ये इसमें थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रखा है, एक छोटा सा एग्जांपल को समझने की कोशिश कर लेते हैं। 5 साल आपने जमा कराया, आपका 10 गुना इंश्योरेंस कवर हो गया, जीएसटी और एबी अभी इसमें जोड़ना पड़ेगा, अभी इसमें जोड़ा नहीं है, फिर भी हम इसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर लेते हैं। 10 साल या 15 साल का प्लान हम ले रहे हैं इसके अंदर, उम्र 8 साल का इसके अंदर ले लिया है, 1 लाख का लिया है, डेथ होने पर 1,59,000 मिल रहा है। 1,59,000 क्यों मिल रहा है, इसका मतलब कि 10 गुना यदि हमने इंश्योरेंस कवर लिया है, इसका मतलब 15,900 रुपये का हमारा ईयरली इसका प्रीमियम है। 15,900 कैसे हुआ, यहाँ पर तो लिखा है 16,616, कोई बता सकते हैं 16,616 की जगह 15,900 हमने कैसे पकड़ा? सम अश्योर्ड का 10% प्रीमियम है सर। वो तो ठीक है, सम अश्योर्ड का 10% प्रीमियम है, लेकिन ये 10% तो बना नहीं, जो हमने इसके अंदर 10% जो आप बोल रहे हैं 10% तो बना नहीं। 1,59,000 था ना सर, 1,59,000 था ना मैच्योरिटी उसमें। हाँ, तो लेकिन ये 10% तो बना नहीं, 1,59,000 के हिसाब से 15,900 होना चाहिए, तो ये 15,900 तो नहीं बना, ये तो अमाउंट कुछ और बन रहा है। यहाँ पर इसके अंदर लिखा है 16,616 और आपका डेथ सम अश्योर्ड बन रहा है 1,59,000, ऐसा फर्क क्यों है, डिफरेंट क्यों आ रहा है, फर्क क्यों है, डिफरेंट क्यों है? ईयरली प्रीमियम वाला होगा ना सर, ईयरली प्रीमियम का है 16,616 ईयरली प्रीमियम है, डेथ सम अश्योर्ड है 1,59,000। हाँ, तो इसमें 10 टाइम नहीं है ना सर इसके अंदर जो है, मतलब 10 टाइम्स रिस्कवर, 10 टाइम्स। खैर एनीवे, आप इसको 10 गुना इसको मान के चलें, 8 साल 25 साल अलग अलग एज पर इसका प्रीमियम दे रखा है, आप अपना ऐप अपडेट करेंगे तो इसके अंदर वहां पर आ जाएगा। इसको देख के कुछ समझ में आया आपको इस प्लान के अंदर? सर एक सवाल था, बोलिए बताइए। सर इसमें जो सिंगल प्रीमियम में तो 10 टाइम रिस्कवर है, जो रेगुलर प्रीमियम है उसमें भी 10 टाइम रिस्कवर रहेगा इसके अंदर? रेगुलर प्रीमियम में 10 गुना का ऑप्शन है, रेगुलर प्रीमियम के अंदर 7 गुना का ऑप्शन है। अच्छा, 7 का है, दोनों ऑप्शन है उसमें। हाँ जी, दोनों ऑप्शन है उसमें, 10 गुना का ऑप्शन है, 7 गुना का ऑप्शन है। अभी मैंने जो आपको खोल के दिखाया था इसके अंदर 10 गुना का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा था और 7 गुना का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा था, दोनों ऑप्शन इसके अंदर आ रहे थे। आप 10 गुना वाला भी कर सकते हैं, 7 गुना वाला भी कर सकते हैं, आपको इसके अंदर ऑप्शन देना होगा। जैसे जीवन अमर का जब आप इलस्ट्रेशन बनाना शुरू करते हैं ऑल इन वन में, तो उसमें कई सारी ऑप्शन पूछता है प्रीमियम के, उसमें 4 तरह के ऑप्शन है। आप प्रीमियम सिंगल प्रीमियम भरेंगे, ईयरली भरेंगे पूरी टर्म तक, या तो -5 साल कम प्रीमियम भरेंगे, या तो 10 साल कम प्रीमियम भरेंगे, ऐसा करके 4 तरह के ऑप्शन पूछता होता है ना, 4 तरह के आपके प्रीमियम ऑप्शन पूछता है कि कितने साल आप पैसा भरने वाले हैं। तो इसी तरीके से इसके अंदर 4 तरह के ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई आप जो ऑप्शन 1, 2, A, B और 1, 2 इस तरह के ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि भाई इस तरीके से आप बताइए इसके अंदर आपको क्या चाहिए। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, जब आप उसको करना शुरू करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी हम लीफलेट के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। सिक्योरिटी ऑफ योर फ्यूचर ऑन योर ओन टर्म्स, LIC बचत प्लस प्लान एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, आज का अखबार आप उठा के देखेंगे सभी अखबारों में आपको एड इसका मिलेगा, बचत प्लस, ये हम ऑलरेडी कल देख चुके थे। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना सर, चाहेंगे? सर मिनिमम प्रीमियम सर कितना है सर? 5 लाख का मिनिमम सम अश्योर्ड समझ गए सर, प्रीमियम कितना आएगा लगभग इसका? मिनिमम जो 1 लाख के हिसाब से जो बनेगा वो आएगा, अलग अलग एज पर अलग अलग आएगा। 5 लाख सम अश्योर्ड का सर, इसमें मिनिमम सम अश्योर्ड 5 लाख है ना सर? हाँ जी। तो रेगुलर प्रीमियम जो होगा मंथली कितना पड़ेगा लगभग? रेगुलर प्रीमियम इसका अपन प्रीमियम का चार्ट देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, अभी थोड़ी देर में हम प्रीमियम का चार्ट भी देख लेते हैं कि इसके अंदर प्रीमियम कितना आने वाला है। मैंने अभी प्रीमियम के अलग अलग चार्ट आपको भेजे हुए हैं, तो प्रीमियम के चार्ट के अंदर से, खैर अब नया प्लान आया है तो चार्ट इसके अंदर बना के भेजा है, अदरवाइज हम लोग चार्ट नहीं देखते हैं। आपको पता है चार्ट क्यों नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ऑल इन वन है, हमारे पास लीडर है, हमारे पास ब्लिस है, हमारे पास डाटा कॉम्प है, हमारे पास स्मार्ट, ऐसा करके ढेर सारी ऐप्स हैं और सॉफ्टवेयर हैं। तो हम ऐप्स और सॉफ्टवेयर के ऊपर आजकल निर्भर इतने ज्यादा हो चुके हैं कि हम लोग चार्ट वगैरह ये सब देखने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। एक जमाना था जब हम चार्ट वगैरह देखा करते थे, उस समय हमारे पास सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था, इतने ढेर सारे अवेलेबल नहीं थे।
अभी एक्चुअली सर घर से निकलते ही ना सुबह सुबह जैसे हम निकलेंगे ना सर, कोई ना कोई टोपी देगा इस पॉलिसी के बारे में सर, तो मोटा मोटा नॉलेज होना जरूरी है सर। अब तो ऑफिस पहुंचेंगे, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, मोटा मोटा नॉलेज होने के लिए ही हमने इसको सवेरे सवेरे खोल के रखा है। कल आप सुबह वहां पर 16 मार्च को कल मंगलवार को मीटिंग में आएंगे सुबह 10 बजे, वहां पर भी हम इसको थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 90 लोगों की गैदरिंग है होटल गुड एप्पल रेजिडेंसी में, और आप सभी आए वहां पर, बिल्कुल भी मिस नहीं होने चाहिए। तो जितने भी साथी यहाँ पर हैं, इवन अशोक जी जो है, जैसे ऑफिस से छुट्टी का प्रॉब्लम आ रहा है, आप एक दिन की छुट्टी, कोई रोजाना तो हम मीटिंग करते नहीं है, तो एक दिन की छुट्टी का कुछ ना कुछ अवेलेबिलिटी आप कर लीजिए और आ जाइए। सो 15 मार्च से शुरू है, आज से शुरू है, 10 सितंबर, 6 महीने का प्लान है। सिग्नल परिवहन सेम, दोबारा सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे सेम चीजों को दोबारा से, ये दोबारा से एक और दूसरे तरीके की टेबल है, 10 से 25 साल का है, 10 से 16 साल। अब आप सोचेंगे कि मैं ये सारी की सारी चीजें याद रखूं, तो उनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। आसान तरीका क्या है, अपना जो ऑल इन वन या तो लीडर या तो ब्लेस, जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी ऐप आप इस्तेमाल करते हैं, सभी सॉफ्टवेयर सभी ऐप्स को इंस्टॉल करके रखें। हर एक में से कुछ ना कुछ अच्छा चीज पता लगता है, हर एक का प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होता है, हर एक का बताने का तरीका अलग होता है, आपको उसमें से अच्छी तरीके से समझने का जानने का मौका मिलेगा। ऐसा मत करिएगा कि हाँ मैंने ये वाला इंस्टॉल कर लिया है तो पुराने सारे हटा देता हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि पुराने वाले में भी कभी कभी पुराना काम आता है, कभी नया काम आता है, कभी कोई काम आता है, कभी कोई काम आता है। सभी तरीके के ऐप्स अपने फोन की कैपेसिटी हाई रखिए, उसका रैम, उसकी मेमोरी, उसका एसडी कार्ड, उसकी स्पीड, उसकी बैटरी, उसकी एमएएच, सभी को मैक्सिमम हाई करके रखिए, जिससे कि आपको कस्टमर के सामने आप अटक ना जाए, या तो कभी ऐसा ना सोचना पड़े यार मेमोरी ही नहीं है हम क्या करें। ये आपका फोन आपकी इन्वेस्टमेंट है, 24 घंटे आपके पास रहता है, आपको ढेर सारा पैसा कमा के देता है, अपने फोन के अंदर, बढ़िया फोन के अंदर इन्वेस्टमेंट करके। सो लॉयल्टी एडिशन इसमें कैसे मिलेगा, 5 साल के बाद मिलेगा, डेथ पर पेड अप पॉलिसी में नहीं मिलेगा। प्रीमियम बीच में जिन्होंने भरना बंद कर दिया उनके लिए लॉयल्टी एडिशन नहीं है, 5 साल से कम में यदि प्रीमियम नहीं भर रहे हैं तो लॉयल्टी एडिशन नहीं मिलेगा। सेटलमेंट ऑप्शन है, मेच्योरिटी और डेथ का सेटलमेंट ऑप्शन है। लोन जो मिलेगा वो मैंने आपको बताया, सिंगल प्रीमियम में 3 महीने बाद लोन मिलेगा, रेगुलर प्रीमियम में 2 साल बाद मिलेगा, सरेंडर कभी भी कर सकते हैं। सिंगल प्रीमियम में आज आपने पॉलिसी करा अगले दिन सरेंडर कर, सिंगल प्रीमियम में तो ऐसे है। जो रेगुलर बताइए बताइए कमीशन सर कितना परसेंट है सर इसके अंदर, कमीशन भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, अभी निकालते हैं उसको भी निकालते हैं। तो 2 साल बाद सरेंडर कर सकते हैं, गारंटीड सरेंडर वैल्यू है, मेन फीचर्स हैं, ये सब चीजें इसके अंदर हैं अवेलेबल। अभी तक आपने इसके बारे में जो कुछ जाना समझा देखा उससे आपको क्या समझ में आया, थोड़ा बहुत तो हमने कुछ ना कुछ समझने का कोशिश किया जी सर। बहुत जबरदस्त प्लान है सर। ओके, कस्टमर बोलता है सर की शॉर्ट टर्म प्लान दो हमें, पैसा ज्यादा ले लो कोई बात नहीं, लेकिन 5 साल का स्कीम दिखाओ हमको, ये मार्केट से इसका कोई लिंक नहीं है। बहुत जबरदस्त, बहुत पावरफुल प्लान है सर। अरे वाह क्या बात है। अच्छा, मार्केट में बहुत आसानी से बिकेगा और हमारा कमीशन भी बहुत अच्छा बनेगा सर इसके ऊपर सर। किसी से कहना नहीं पड़ेगा कि 1000 रुपए भरो महीने का, 2000 भरो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, 5 साल की बस इन्वेस्टमेंट है खाली, 5 साल के लिए आप पॉलिसी कराओ, बस 5 साल देना है पैसा इसके अंदर। ठीक है, कमीशन के बारे में आपको बता देता हूँ कि जितने भी ऐसे प्लान होते हैं जिनके अंदर कमीशन रेट, जो 5 साल का प्रीमियम पे इनकम होता है उसमें कमीशन रेट होता है 10+4, 10% कमीशन होता है, 4% बोनस कमीशन होता है, इस तरीके से रहता है। तो इसके अंदर भी ऐसा ही रहेगा, इसके अंदर 10% 4% कमीशन बेसिस तो बहुत है सर, कोई बात नहीं। हाँ वो एक्चुअली प्रीमियम भी उसी के हिसाब से आएगा ना, प्रीमियम आपने पूछा था इसके अंदर लिखा है बचत प्लस 861 का इसके अंदर प्रीमियम इसके अंदर लिखा है, 5 लाख का इसके अंदर समझोड़ का एग्जांपल दे रखा है, ये मैंने आपको पीडीएफ ऑलरेडी भेजा हुआ है, आप एक बार व्हाट्सएप के ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में एक बार चेक करें तो आपको ये वाला वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें क्या लिखा है कि 5 लाख के समझोड़ में ईयरली यदि हमने लिया, आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, 18 से शुरू में ये वाले ये जो है ना यहाँ पे ये डैश 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 ऐसा करके यहाँ पे ये डैश डैश क्यों है, क्योंकि 18 से पहले ये पॉलिसी मेच्योर नहीं होएगा, यानी कि 0 साल का बच्चा है, 90 दिन के बच्चे का आपने लिया है तो 18 की उम्र में उसका पॉलिसी है 54,000 रुपए बच्चे के नाम से करेंगे ईयरली 5 लाख का। अब ये एग्जाम्पल 5 लाख का मैंने बताया, अब 5 की बजाय 1 लाख का करेंगे तो इसको 1/5 कर लीजिए, तो 54,000 का 1/5 किया तो कितना बनता है 11,000 रुपए के आसपास, यानी कि 1 लाख का पॉलिसी 11,000 रुपए ईयरली के अंदर हो जाता है। तो ये वाला पॉलिसी बच्चे के हिसाब से, आप हायर एज में जाएंगे टर्म थोड़ा सा लंबा रहेगा,
आप इसके अंदर यहाँ पर देखिए, हमने 25 साल का किया, 0 साल के बच्चे का 25 साल का किया, 40,000 का प्रीमियम आ रहा है। 40,000 के प्रीमियम का यदि हम सेम 5 लाख की जगह, ये जो 5 लाख का है, हम इस 5 लाख को यदि हम मान लीजिए 1 लाख का करें, तो उसको 1/5 कर लेते हैं, लगभग 10,500 का या 10,250 का प्रीमियम बनता है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ईयरली का हमने जाना, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ईयरली के बाद में ये दे रखा है हाफ ईयरली का, सेम इसके अंदर दे रखा है 5 लाख का, हाफ ईयरली का दे रखा है। हाफ ईयरली में थोड़ा मामूली सा प्रीमियम बढ़ता है, ईयरली भरने से थोड़ा सा आपको प्रीमियम का रिबेट मिल रहा है, 2% ईयरली का रिबेट है, 1% हाफ ईयरली का रिबेट है, क्वार्टरली में प्रीमियम थोड़ा सा और बढ़ जाता है। यदि इसी को मंथली करेंगे, मंथली के अंदर और क्वार्टरली के अंदर प्रीमियम का कोई फर्क नहीं है, 3 मंथली का टोटल करेंगे या तो 1 क्वार्टरली का देखेंगे तो प्रीमियम सेम पड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे 4,700 रुपए 0 साल के बच्चे का, 18 साल की उम्र में जब वो मेजर होएगा तो उसको पॉलिसी का पैसा मिल रहा है 4,700 रुपए। आप 25 साल का प्लान उसको देते हैं 3,350 रुपए महीना, 3,350 रुपए महीना का मतलब रोज का 110 रुपए आसानी से हो सकता है। आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में जी? आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे इसके बारे में, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? अब इसका मैच्योरिटी अमाउंट तो सर वो सॉफ्टवेयर ही कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, उसी से सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक बार देखेंगे मैच्योरिटी अमाउंट उसके अंदर आ जाएगा, मैच्योरिटी अमाउंट उसके अंदर दे रखा है, मैच्योरिटी अमाउंट उसके अंदर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसके अंदर एक बहुत लंबे समय से रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की, अलग अलग लोग बीच में पूछ रहे थे कि भाई 5 साल का प्लान बताओ, 5 साल का प्लान बताओ, 5 साल का प्लान बताओ। आपके पास पहली बात तो 5 साल का FD आ चुका है, 5 साल का फिक्स डिपॉजिट, 5 साल का फिक्स डिपॉजिट, टर्म इसके अंदर 10 से 25 है, यानी कि आपको 10 साल के अंदर बोनस मिलेगा, टोटल इसका जो लेटेस्ट एडिशन है 10 साल का मिलेगा या तो 25 साल का मिलेगा, कल सुबह हमारा जो मीटिंग रहेगा, कल सुबह हम लोग शॉर्ट में करेंगे क्योंकि कल सुबह 10 बजे हमें वहां पर होटल गुड एप्पल रेजिडेंसी में भी करना है, तो कल हम सुबह 8 बजे मिलेंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए, 8 बजे से लेकर 8:10 तक, तो कल सुबह हम वहां पर मिलेंगे। कल सुबह आप जरूर